मैं बहुत घबराई हुई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अभिमन्यु से मिले बिना ही मेरी सांसें थम जाएंगी। पलक वॉइस रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करते जा रही थी और पहाड़ चढ़ते जा रही थी। प्रशांत भी पलक का पीछा करने के लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू ही करने वाला था कि तभी उसकी नजर नीचे वहीं पर पड़ी एक लोहे की सरिये पर पड़ जाती है और वो तुरंत उसे उठा लेता है। पलक फिर वॉइस रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए बोल पड़ती है, मैंने उस काले साय को अपनी आंखों से देखा है, वो और शक्तिशाली हो गया है। वो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात अपने दो साथियों को ग्रेवयार्ड कोठी भेजता है बोतलें लाने के लिए। पता नहीं वो इन बोतलों का करता क्या है, मुझे तो लगता है कि पलक इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पहाड़ के ठीक नीचे प्रशांत खड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी पलक का पीछा करने के लिए पहाड़ की चढ़ाई शुरू करने वाला हो। पलक की नजर प्रशांत ने अपने हाथ में जो लोहे का नुकीला सरिया पकड़ा हुआ था उस पर चली गई थी। पलक बिना देरी करे हड़बड़ाहट के साथ फिर अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। वो समझ गई थी कि वॉइस रिकॉर्डर में सारी बातें रिकॉर्ड करना उतना जरूरी नहीं था जितना वहां से बचकर निकलना। प्रशांत गुस्से के साथ पलक को पहाड़ चढ़ते हुए देख रहा था। प्रशांत पलक को देखते हुए कहता है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब यही नीचे आएगी। उसी वक्त प्रशांत लोहे के सरिये को ऊपर हवा में उठाता है और पलक की तरफ फेंक देता है। वो सरिया तेजी के साथ हवा में उड़ते हुए आगे जाता है और सीधे जाकर पलक के सीने के एकदम बीचों बीच घुस कर उसके सीने के आर पार हो जाता है। पलक को मौका ही नहीं मिलता वहां से हटने का। पलक दर्द से तड़पते हुए कसकर चीखती है, लोहे का सरिया पलक के खून से सन जाता है। पलक पीछे की तरफ धड़ाम से पहाड़ पर गिरती है और लुढ़कते हुए ही पहाड़ के नीचे आने लग जाती है। उसी वक्त उसके हाथ से वो बोतल भी छूट जाती है जिसके अंदर कामेश्वरी यक्षिणी कैद थी। वो बोतल पलक की पकड़ से दूर चले जाती है और उसके नीचे जमीन पर गिरने के साथ ही वो बोतल भी धड़ाम से जमीन पर टूट जाती है और उस बोतल के टूटते ही उसके अंदर से ढेर सारा धुआं निकलने लग जाता है। पलक को और प्रशांत को उस बोतल पर ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वो बोतल उन दोनों से दूर गिरी थी। पलक सीधे प्रशांत के पैरों के पास आकर गिरी थी। उसके सीने के अंदर सरिया अभी भी घुसा हुआ था जो अब पूरी तरह खून से सन चुका था, पर पलक अभी भी जिंदा थी और दर्द से कराहे जा रही थी। प्रशांत अपने आसपास देखते हुए उस बोतल को ढूंढने लग जाता है, पर जब वो उसे कहीं पर नहीं मिलती तो वो गुस्से के साथ पलक से पूछता है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो? प्रशांत को इतना परेशान देखकर पलक दर्द में भी मुस्कुराने लग जाती है, उसे देखकर हंसने लग जाती है पर उससे कहती कुछ नहीं है। पलक को खुशी थी इस बात की कि वो बोतल प्रशांत के हाथ नहीं लगी थी। पलक समझ गई थी कि उसका अंतिम वक्त आ गया था और वो अपने अंतिम वक्त में अभिमन्यु को याद करने लग जाती है। अभिमन्यु को याद करते ही उसके चेहरे पर और ज्यादा मुस्कान आ जाती है। उसे वो पल याद आने लग जाते हैं जो उसने अभिमन्यु के साथ बिताए थे, वो पल जिसमें अभिमन्यु उसकी केयर करते रहता था। पलक को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर प्रशांत को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ ही फिर पलक से बोल पड़ता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। प्रशांत के पास एक छोटा सा नुकीला चाकू भी था। वो उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ता है और पूरी जान के साथ पलक की आंख की पुतली के अंदर घुसेड़ देता है। पलक फिर एक बार दर्द से कराह उठती है। प्रशांत फिर पलक से गुस्से के साथ पूछता है, अब बता कहां पर है वो? पलक कुछ जवाब नहीं देती है। वो तो अब जरा सा भी हिल तक नहीं रही थी, ना ही दर्द से कराह रही थी। ये देखकर प्रशांत कुछ घबरा जाता है। प्रशांत अपने दोनों हाथों से पलक को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, उठ, मर गई क्या? उठती क्यों नहीं? बताओ कहां पर है, तूने क्या किया उसके साथ? आंख के अंदर चाकू घुसेड़ते ही पलक ने अपना दम तोड़ दिया था और वो मर चुकी थी। प्रशांत कुछ घबराते हुए खुद से कहता है, अब मैं काल स्वामी को क्या जवाब दूंगा? जब वो मुझसे उसके बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? प्रशांत की घबराहट बढ़ने लग जाती है और घबराते हुए ही उसकी नजर जब उस लड़की के शव पर जाती है तो उसके अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। प्रशांत पलक का चेहरा देखते हुए कहता है, ये सब इसके कारण हुआ है, इसने सब बिगाड़ दिया। पता नहीं इसने वो बोतल कहाँ पर छुपाई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गुस्से की आग में ही प्रशांत चाकू को पलक की आंख के अंदर से वापस से बाहर निकालता है और बार बार उसके चेहरे के अंदर घोंपने लग जाता है, जैसे वो अपना सारा गुस्सा पलक के चेहरे पर उतारना चाहता हो। पलक के खून के छींटे प्रशांत के चेहरे पर पड़ने लग जाते हैं, पर फिर भी वो चाकू पलक के चेहरे के अंदर बार बार घोंपते रहता है। प्रशांत पलक के चेहरे पर बार बार चाकू घोंप ही रहा था कि तभी उसे एक महक आने लग जाती है, एक ऐसी महक जिसे सूंघकर उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। वो चाकू को उस लड़की के अंदर घोंपना बंद कर देता है। प्रशांत उस महक को सूंघते हुए खुद से कहता है, ये महक,
ये तो वही है जो मुझे तब आया करती थी जब मैं लेखक बाबू से मिलने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी जाया करता था। और उस वक्त तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर, इतना कहकर प्रशांत खुद चुप हो जाता है। वो एकदम गहरे सदमे में चले गया था। प्रशांत उस महक को लेकर परेशान ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि पायल की छनछन की थी। पायल की छनछन के साथ ही वॉइस रिकॉर्डर के अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है। वॉइस रिकॉर्डर के बटन दबने की आवाज सुनाई देती है, और वो बटन किसी और ने नहीं अभिमन्यु ने दबाया था। वॉइस रिकॉर्डर के मदद से अभिमन्यु ने सबको पलक की दास्तां सुना दी थी, और पलक की दास्तां सुनकर कुटिया के अंदर मौजूद सभी लोग शांत पड़ गए थे। सबकी आंखों में आंसू नजर आने लग गए थे। उनकी आंखों में आंसू आते भी कैसे नहीं, वो पलक जिसका इन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं था, उसने बाकी सबको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। खुशी खुशी प्रशांत के हाथों मर गई थी। पलक की दास्तां सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी को कुछ याद आने लग जाता है। उसे याद आता है प्रशांत को उसने ही मुक्ति दिलाई थी, और उस वक्त वहां पर एक लड़की की लाश भी पड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी एक सेकंड से भी कम समय में समझ जाती है और हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, इसका मतलब जिस लड़की ने मुझे आजाद किया वो कोई और नहीं बल्कि पलक थी। अभिमन्यु नम लहजे के साथ हामी भरते हुए कहता है, हाँ कामेश्वरी जी, वो पलक ही थी। पलक ही आपकी बॉटल लेकर भागी थी। बस उस बेचारी को ये नहीं पता था कि आपकी बॉटल को बस तोड़ना था। बॉटल टूटते ही आप आजाद हो जाती। अगर पलक को ये बात पता होती तो शायद वो आज जिंदा होती। अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए कहता है, सारी गलती मेरी ही है। मुझे इस तरह ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर नहीं जाता तो पलक कभी मुझे ढूंढने के लिए अकेले निकलती ही नहीं, ना ही उसके साथ ये सब होता। युग अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है अभिमन्यु। जो होना लिखा रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है पलक की किस्मत में यही लिखा हो। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, मैं पलक को कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसी की वजह से मैं अपनी माँ से मिल पाई हूँ। उसी ने मेरी माँ को आजाद कराया है। कामेश्वरी यक्षिणी बोल पड़ती है, भूल तो मैं भी नहीं पाऊंगी पलक को, ना ही उसका ये एहसान कभी चुका पाऊंगी। कार्तिक पुजारी कहते हैं, भविष्य में जब जब कामेश्वरी यक्षिणी की कहानी का जिक्र किया जाएगा उसमें पलक को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से कामेश्वरी आजाद हो पाई है। डायना कहती है, मैं भी पलक को कभी नहीं भुला पाऊंगी। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद गुफा से अपनी जान बचाकर भाग जाती, पर वो तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर थी। उसने कामेश्वरी यक्षिणी को आजाद करना अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी समझा। सभी के दिल में पलक के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी, एक ऐसी जगह जो अब कभी नहीं मिटने वाली थी। हर कोई पलक के लिए अपने दिल की भावना व्यक्त कर रहा था। सभी के दिल में पलक के लिए बेशुमार प्यार उमड़ गया था। अभिमन्यु पलक के वॉइस रिकॉर्डर को देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, ये जिंदगी भी कितनी जालिम है, पता ही नहीं चलता कि हमारी कौन सी मुलाकात किसी से मिलने की आखिरी मुलाकात है। काश मैं आखिरी बार पलक से मिल पाता। जब बिंदु अभिमन्यु को पलक को इस तरह याद करते हुए देखती है तो उसे भी कायर की याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि कायर भी उससे इतना ही प्यार करता था, हमेशा उससे मिलने के लिए तरसता था, पर वही कोई ना कोई बहाना देते हुए कायर को मिलने से मना कर दिया करती थी। पर अब वो अपनी सारी की हुई गलतियों पर पछता रही थी। बिंदु अपना दुख व्यक्त करते हुए कहती है, तुम तो किस्मत वाले हो अभिमन्यु, कि तुम्हें पता है कि पलक के साथ कैसे क्या हुआ। अभागी तो मैं हूँ, मुझे तो मेरे कायर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो ऐसे लापता हुआ कि पूछो मत, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या नहीं। अभिमन्यु बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, कायर जिंदा है बिंदु। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है सबकी नजरें अभिमन्यु की तरफ चले जाती है। हर कोई हैरानी के साथ उसे देखने लग जाता है। बिंदु हकलाते हुए अभिमन्यु से कहती है, क्या कहा अभिमन्यु तुमने, मेरा कायर जिंदा। बिंदु की बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु, कायर जिंदा है। बिंदु हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अगर मेरा कायर जिंदा है तो वो कहाँ पर है अभिमन्यु, तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए। अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, वो बिंदु मैंने कायर को अपने साथ लाने की कोशिश तो की थी, पर इतना कहकर अभिमन्यु खुद चुप हो जाता है। बिंदु तुरंत पूछ पड़ती है, पर क्या अभिमन्यु, तुम कुछ बताते क्यों नहीं, बताओ ना मेरा कायर कहाँ पर है, किस हाल में है, वो तुम्हें कहाँ पर मिला। अभिमन्यु बिंदु के सारे सवालों के जवाब देते हुए कहता है, बिंदु तुम्हें वो पहाड़ याद है जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था। बिंदु कहती है, वही पहाड़ ना जो औषधियों से भरा हुआ था। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु, मैं उसी औषधीय पहाड़ की बात कर रहा हूँ।
मैंने और डायना ने कालगढ़ ढूंढने के लिए उस पहाड़ की पूरी चढ़ाई चढ़ ली थी, और जब हम चढ़ाई उतरकर दूसरी तरफ नीचे पहुंचे तो वहां पर। इसी के साथ अभिमन्यु अतीत की यादों में चले जाता है। ठीक उस पल में जब वो डायना के साथ औषधीय पहाड़ी की चढ़ाई उतरकर लालखाल जंगल में पहुंच गया था। इस वक्त अभिमन्यु और डायना लालखाल जंगल में मौजूद थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि लालखाल जंगल पहुंचने के बाद भी उनके मन को तसल्ली नहीं मिली थी, क्योंकि जिस चीज की तलाश में वो निकले थे वो अभी तक उन्हें नहीं मिली थी। उनके चेहरे पर नजर आ रहा था तो सिर्फ डर, और वो डर था लालखाल जंगल का। रात के अंधेरे में लालखाल जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। डायनो और अभिमन्यु ने वापस से अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसी वक्त जमीन से आसमान की तरफ एक तेज सीधी रोशनी जाती है, और आसमान में पहुंचते ही वो एक तेज धमाका करता है, और उस धमाके की गूंज के साथ ही वो रोशनी आसमान में फैलने लग जाती है। देखते ही देखते आसमान में एक सुनहरे रंग में चक्र घूमने लग जाता है। उस चक्र के अंदर ही ढेर सारे छोटे छोटे चक्र थे। रात के अंधेरे में आसमान में वो चक्र अलग ही अपनी तरफ उन दोनों को आकर्षित कर रहा था। कुछ देर तक वो दोनों उसी चक्र को लेकर बातें करते रहते हैं। उस सुनहरे चक्र को देखकर अभिमन्यु को अंदेशा हो जाता है कि इसका काले साई और कालगढ़ से जरूर कोई कनेक्शन है। अभिमन्यु उस चक्र को देखते हुए कहता है, हमें इस चक्र के पीछे जाना चाहिए डायना। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभी मुझे भी यही लगता है, चलो। इसी के साथ अभिमन्यु और डायना को सुनहरा चक्र जिस दिशा में दिखाई दे रहा था वो दोनों उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ घंटे बाद औषधीय पहाड़ी की चढ़ाई उतरने के कारण अभिमन्यु और डायना पहले से ही बहुत थके हुए थे, इसलिए वो दोनों ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो दोनों तो अपने कदम भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा पा रहे थे, पर जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके शरीर में जितना भी दम था वो पूरा दम लगाते हुए वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत थके होने के बावजूद वे दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे उन्होंने सोच कर रखा हो कि वो दोनों उस सुनहरे चक्र के पास पहुंचकर ही दम भरेंगे। उनके अंदर ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर उस सुनहरे चक्र के पास क्या होगा, क्यों वहां से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी। वो दोनों अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु कुछ घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए था। डायना हैरानी के साथ पूछती है, क्या हुआ अभी? अभिमन्यु अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखो डायना। जब डायना अपनी नजरें आसमान की तरफ करती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। डायना हैरानी के साथ कहती है, ये कैसे हो सकता है, वो सुनहरा चक्र कहाँ पर चले गया, वो तो अभी यहीं पर था। अभिमन्यु भी परेशान होते हुए बोल पड़ता है, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है डायना कि वो सुनहरा चक्र कहाँ पर चले गया। आसमान में जो सुनहरा द्वार पहले नजर आ रहा था वो नजर आना बंद हो गया था। अभिमन्यु और डायना दोनों हैरानी से आसमान में चारों ओर देखने लग जाते हैं, पर उन्हें वो सुनहरा द्वार कहीं दिखाई नहीं देता है। अभिमन्यु के तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से वो सुनहरा द्वार कहाँ गायब हो गया था। अभिमन्यु आसमान में चारों ओर गौर से देख ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि आसमान में से सुनहरा द्वार ही नहीं बल्कि चांद तारे भी गायब हो गए थे, और उसकी वजह थी वक्त का गुजरना। वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे सुबह होने लगी थी और अंधेरा छटने लग गया था। डायना अभिमन्यु से कहती है, अब क्या करें, अभी अब किस तरफ जाएं? अभिमन्यु भी परेशानी था जिस कारण उसके खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। डायना अभिमन्यु से फिर पूछ पड़ती है, बोलो ना अभी अब क्या करें? अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना हर बार मैं ही बताऊं क्या कि क्या करना है, तुम तो एक डायन हो ना, तो तुम खुद ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती हो हमें क्या करना चाहिए। डायना जान गई थी कि अभिमन्यु को ये गुस्सा सुनहरे द्वार के गायब होने के कारण आया था, पर वो अभिमन्यु की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती है और अगले ही पल बोल पड़ती है, मुझे तो लगता है कि अब हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए और अब पूरी तरह उजाला होने के बाद ही निकलना चाहिए, मैं बहुत थक गई हूँ। अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है, बहुत चल लिया, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर सुबह सोचेंगे कि क्या करना है। डायना को लगा था कि अभिमन्यु फिर उस पर चिल्लाएगा, पर जब वो अभिमन्यु का जवाब सुनती है तो खुद हैरान रह जाती है। वो जान गई थी कि अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही परेशान था, इसलिए पलटकर कुछ कहती नहीं है, चुपचाप अच्छी सी जगह ढूंढती है और वहां पर बैठकर आराम करने लग जाती है। अभिमन्यु भी पेड़ की ओट लेकर आराम करने लग जाता है। कुछ घंटे आराम करने के बाद ही अभिमन्यु और डायना को अपने शरीर में वापस से फुर्ती महसूस होने लगी थी।
और वो दोनों खुद और ज्यादा देर तक आराम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वापस से उस दिशा में फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं जिस दिशा में उन्होंने उस सुनहरे चक्र को रात में चमकते हुए देखा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उन दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो दोनों जल्द से जल्द कालगढ़ पहुंचना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिर कालगढ़ था क्या और वो काला साया कालगढ़ बनाकर क्या करना चाहता था। पर अब आसमान में सुनहरे द्वार के न दिखने के कारण उनके लिए एक ही दिशा में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए दोनों ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कई बार तो उन्हें खुद ऐसा लगने लग गया था जैसे वो दोनों उस जगह में खो गए हो। डायना परेशान होते हुए अभिमन्यु से हिचकिचाते हुए कहती है, अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इस जंगल में भटक गए हैं? अभिमन्यु भी परेशान होते हुए ही डायना से कहता है, डायना लग तो मुझे भी यही रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि हम दक्षिण की तरफ जा भी रहे हैं या नहीं। डायना कहती है, इस जंगल में इतने ज्यादा पेड़ है ना कि दिशा का अंदाजा भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो ये कोई सा मायावी जंगल लग रहा है। अभिमन्यु कहता है, मायावी जंगल तो है ही डायना, तुम्हें ये इंसानों की खाल की तरह पेड़ नजर नहीं आ रहे? डायना कहती है, आ रहे अभी, पर अब क्या करें? अभिमन्यु कहता है, डायना हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। डायना जानती थी कि अभिमन्यु सही बोल रहा था, इसलिए वो वापस से अभिमन्यु के पीछे अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। जंगल में भटकते हुए शाम होने लग गई थी और शाम होने के साथ ही अंधेरा होने लग गया था, पर अभिमन्यु और डायना को अपनी मंजिल अभी तक नहीं दिखी थी और अब वो पूरी तरह श्योर हो गए थे कि वो दोनों भटक चुके हैं। वो दोनों परेशान ही हो रहे थे कि तभी उन्हें ढेर सारे कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है और उन आहट को सुनकर वो दोनों झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। वो दोनों वहां पर छुपे ही हुए थे कि तभी वो दोनों कुछ ऐसा देखते हैं कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखते हैं कि मुर्दों की एक बड़ी सी सेना एक कतार में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। उन सारे मुर्दों ने काला लबादा पहन कर रखा हुआ था जिस कारण किसी के भी चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। अभिमन्यु और डायना बिना देरी करे तुरंत चुपके से उनका पीछा करने लग जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद ही वो सारे लबादा पहने हुए आदमी एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। जब अभिमन्यु और डायना उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि वो सारे मुर्दे गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए थे और उस घेरे के बीचों बीच काला साया जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उसके सामने जमीन पर ही ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था। डायना धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये तो काला साया है अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है, लगता है हम कालगढ़ पहुंच गए। अभिमन्यु को पास ही में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है जो कई सारी झाड़ियों से लिपटा हुआ था। अभिमन्यु तुरंत डायना को लेकर उसके पीछे छुप जाता है ताकि किसी की भी उन दोनों पर नजर ना पड़े। काला साया किसी को पुकारते हुए आवाज लगाता है, कछेंदर, कछेंदर, कछेंदर। काले साये की तीन बार कछेंदर बोलते ही मुर्दों की सेना के पास खड़े उन तीन लोगों में से एक आदमी वहां पर भागते हुए आने लगता है। उसने भी काला लबादा पहना हुआ था जिस कारण उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अभिमन्यु जैसे ही काले साये के मुंह से कछेंदर नाम सुनता है वो हैरान होने लग जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं। अभिमन्यु को इस तरह परेशान होते हुए देख डायना से रहा नहीं जाता और वो तुरंत अभिमन्यु से पूछ पड़ती है, क्या हुआ अभी, तुम कछेंदर नाम सुनकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उस काले साये ने तुम्हारे किसी जान पहचान वाले को बुलाया हो कछेंदर कहकर। अभिमन्यु कहता है, डायना ये तुम कैसे सवाल कर रही हो, तुम कछेंदर को नहीं जानती क्या? डायना पलट कर कहती है, मैं किसी कछेंदर को नहीं जानती अभी, मैं तो पहली बार कछेंदर नाम सुन रही हूँ। तुम हमारे बीच बचपन से नहीं रही हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है, वरना तुम्हें पता होता कि कछुए का नाम ही कछेंदर है। डायना तुरंत बोल पड़ती है, अगर कछुए का नाम कछेंदर है भी तो तब भी तुम कछेंदर नाम सुनकर इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है डायना जैसे ये काला साया कछुए को ही कछेंदर करके बुला रहा है। डायना अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है, अभी इस दुनिया में ना एक ही नाम के कई लोग होते हैं, तो हो सकता है ये कोई और हो, क्योंकि उस रात तो युग ने कछुए को। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु डायना को गुस्से से घूरते हुए बोल पड़ता है, युग ने कछुए को कुछ नहीं किया डायना, और मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है, समझी तुम? डायना जानती थी कि अगर उसने पलट कर कुछ भी युग के बारे में बुरा कहा तो अभिमन्यु और गुस्सा करेगा, इसलिए वो चुप ही रहती है। अभिमन्यु खुद ही बोल पड़ता है, पता नहीं क्यों डायना काले साये के मुंह से कछेंदर नाम सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारा कछुआ ही है।
डायना को मन में तो यही लग रहा था कि अभिमन्यु गलत था, पर फिर भी वो उसका मन रखने के लिए बोल पड़ती है। अभी काश ऐसा ही हो, पर यहाँ से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से उसने काला लबादा भी पहना हुआ है। अभिमन्यु कहता है, हमें थोड़ा और पास जाना होगा डायना, हो सकता है वहां से उसका चेहरा नजर आ जाए। डायना कुछ डरते हुए कहती है, पर अभी ज्यादा आगे जाने में खतरा नहीं होगा? अभिमन्यु कहता है, डायना खतरा तो यहाँ पर छुपने में भी है। अगर अब खतरा उठाया ही है तो पूरी तरह उठाते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। वरना अगर ये सच में कछुआ निकला तो जिंदगी भर अफसोस होगा कि हमारा दोस्त हमारे सामने था और हम कुछ नहीं कर पाए। डायना हामी भरते हुए कहती है, ठीक है अभी, अगर तुम यही चाहते हो तो वही करते हैं। डायना अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, वो देखो अभी, वो जो आगे पास में झाड़ियां हैं वहां पर छुपकर देखते हैं, वो जगह भी छुपने के लिए बिल्कुल ठीक है। अभिमन्यु और डायना अंधेरे की मदद से वहां मौजूद मुर्दों की सेना की नजरों से बचते हुए आगे वाली झाड़ियों में छुप जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि एक मुर्दा ठीक काले साए के सामने आकर खड़ा हो गया था। कचिंदर काले साए के सामने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया, काल स्वामी की जय हो काल स्वामी की। काला साया कचिंदर के आसपास देखते हुए कहता है, तू अकेला आया, मुझे तो लगा था तुझे बुलाने से वो भी तेरे साथ ही आ जाएगा, जा और जाकर उसे भी लेकर आ जा। तुम दोनों अलग अलग अच्छे नहीं लगते हो, साथ में अच्छे लगते हो, तुम दोनों की जोड़ी ही मेरी ताकत है। जैसे ही काला साया ये बोलता है, कचिंदर वहां से भागते हुए चला जाता है और कुछ ही देर में एक और लबादा पहने हुए आदमी को अपने साथ लेकर आ जाता है। उस आदमी ने भी उसी की तरह काला लबादा पहनकर रखा हुआ था, जिस कारण उसका भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उस दूसरे काला लबादा पहने आदमी ने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, जिसमें नीले रंग का चमकदार मोती लगा हुआ था, जो अभी भी चमके जा रहा था। अंगूठी पहना आदमी जो अभी अभी आया था, वो भी अपना सिर नीचे झुकाते हुए काला साया से कहता है, काल स्वामी का काला साया, कायम रहेगी हमेशा आपकी माया, काल स्वामी की जय हो काल स्वामी की। काला साया एकटक उन दोनों को ही देखते रहता है, उनसे कुछ नहीं कहता है। अंगूठी पहना हुआ आदमी कहता है, आपने हमें याद किया काल स्वामी? काला साया कहता है, काम ही कुछ ऐसा था जिस कारण तुम दोनों को याद करना पड़ गया। आज रात भी तुम दोनों को वही काम करना है जो तुम दोनों हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात मेरे लिए करते आए हो। वो दोनों आदमी खामोश खड़े काले साये का आदेश सुनते रहते हैं। काला साया फिर बोल पड़ता है, मैं चाहता तो किसी और को भी भेज सकता था, पर ये काम तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता है। तुम दोनों इस काम में माहिर हो और मेरे सबसे वफादार भी। कचिंदर कहता है, आपके लिए वफादार तो हम हमेशा रहेंगे काल स्वामी, आखिर आपने ही तो हमारी जान बचाई है। काला साया कहता है, ये काम करने के बाद मैं तुम दोनों को एक और काम दूंगा। कचिंदर हड़बड़ाहट के साथ पूछ पड़ता है, कौन सा दूसरा काम काल स्वामी? काला साया उसे घूरते हुए कुछ गुस्से के साथ कहता है, पहले ये काम तो कर लो, फिर वो दूसरा काम बताता हूँ। अगले ही पल काला साया मन ही मन मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है और देखते ही देखते उसके सामने जो निशान बना हुआ था, उसमें ट्रायंगल के अंदर बनी आंख की पुतली के अंदर मूवमेंट होने लग जाता है। वो पुतली एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लग जाती है, उसके अंदर से धुआं निकलने लग जाता है। काला साया उन दोनों आदमियों को देखते हुए कहता है, अब जाओ और मेरे लिए वो लेकर आओ। याद रखना, हमेशा की तरह 12 बजे से पहले तुम्हें लौट आना है। अगर 12 बजे के बाद आए तो तुम दोनों जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा, और हाँ, इस बार एक नहीं दो लेकर आना। कचिंदर कांपते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए काल स्वामी, 12 बजे से पहले हम वो ले आएंगे, ये हमारा वादा है। इस तरफ डायना और अभिमन्यु उन तीनों के बीच की सारी बातें सुन रहे थे। अभिमन्यु का ध्यान तो सिर्फ उस बातों की आवाज में था जो कचिंदर बोल रहा था, वो बस उसकी आवाज को गौर से सुन रहा था, इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था कि वो बोल क्या रहा था। पर डायना सब बातों को बड़े गौर से सुन रही थी और उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो काला साया उन दोनों लबादा पहने हुए आदमी को कहां पर कौन सा काम करने भेज रहा था। इधर जैसे ही अभिमन्यु ने कचिंदर की आवाज सुनी तो उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगी थी और चेहरे पर एक हल्की खुशी झलकने लगी। अगले ही पल अभिमन्यु खुशी से खुसफुसाते हुए बोल पड़ता है, डायना, ये हमारा कचिंदर ही है, मैं अपने कचिंदर की आवाज भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। डायना भी खुशी के साथ धीमी आवाज में कहती है, सच? अगर ये सच में हमारा कछुआ ही है तो इसका मतलब हुआ कि युग ने कछुए को नहीं मारा, पर उस रात युग के हाथ खून से। इतना कहकर डायना इस बार खुद चुप हो जाती है।
अभिमन्यु कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सब उस काले साए की कोई चाल साजिश थी जिसमें हम सब फंस गए और उसने युग को दोषी साबित कर दिया। डायना को भी अभिमन्यु की बात कुछ ठीक लगने लग गई थी। डायना पलट कर कहती है, अभी अगर ये कछुआई है तो इसके साथ जो आदमी है जिसने नीले मोती वाली अंगूठी पहनी है वो कौन हो सकता है, जिसे काला साया कछिंदर का साथी बता रहा है जो इस वक्त कछिंदर के साथ ही खड़ा है। अभिमन्यु कहता है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ डायना कि ये काला साया किसे कछिंदर का साथी बोल रहा है। डायना कुछ सोचते हुए कहती है, कछुए की सबसे गहरी यारी तो कायर के साथ, तो कहीं ये कायर तो नहीं। अभिमन्यु कुछ चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो डायना, ये कैसे हो सकता है, कायर तो बिंदु के साथ पुजारी जी की कुटिया में है, वो यहाँ कैसे हो सकता है। डायना कहती है, अभी जब काला साया कछुए को यहाँ पर लेकर आ सकता है तो वो कायर को यहाँ पर कैसे नहीं लेकर आ सकता, वो उसके साथ भी तो कोई साजिश रच सकता है। अभिमन्यु डायना को समझाता है, डायना उस वक्त कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी में था इसलिए काला साया साजिश रच पाया, पर भूलो मत कायर पुजारी जी के साथ था और काला साया पुजारी जी की कुटिया और मंदिर में नहीं जा सकता है, इसलिए कायर को वहां से अगवा करना नामुमकिन है। डायना कहती है, तो फिर ये कछुए के साथ कौन है। अभिमन्यु कहता है, वही तो, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा डायना। डायना हिचकिचाते हुए कहती है, अभी ये भी तो हो सकता है कि तुम ही गलत समझ रहे हो, ना ही ये कछिंदर हमारा कछुआ हो ना ही। डायना अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी वो धीरे से चीख पड़ती है, आह। अभिमन्यु झट से डायना के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसकी आधी चीख को निकलने से रोक लेता है। अभिमन्यु घबराते हुए पूछता है, डायना क्या हुआ, ऐसे क्यों चीख रही हो। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।